भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेता इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद में कूच कर दिया है, जिसकी वजह से हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। बीते दिन इमरान खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हिंसक होती जा रही है। झड़प के दौरान 6 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। इस बीच पीटीआई ने दावा किया है कि पाकिस्तान रेंजर ने उनके समर्थकों पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चला दी हैं, जिसका वीडियो और फोटो सामने आई है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब तक 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हैं। पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पूर्व में ट्विटर में वीडियो पोस्ट कर सुरक्षा बलों पर क्रूरता के आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सुरक्षा बल निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतसस कार्रवाई कर रही है और एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को ऊंची जगह से धक्का देने का भी दावा किया गया है। पीटीआई ने इसे फांसीवाद और क्रूरता करार दिया है। पीटीआई का दावा है कि इस्लामाबाद में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल के लिए पाकिस्तान को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।